हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर इनविंसिबल में। आज मैं आप सबके लिए व्हाइट बोर्ड मोटिवेशन लेके आया हूं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी आदमी हो, चाहे एक रेडी वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे ठेका वाला हो, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर आप लोग पूछेंगे उससे कि आपकी लाइफ में एम क्या है, तो बोलेगा कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है और इसी के लिए काम करना। ठीक है, पैसा कमाना है उसका लाइफ में इम्पोर्टेंट। लेकिन पैसा कमाने के लिए, ये पैसे की बात जब भी आती है, तो पैसा को क्या चीज़ ड्राइव करती है, मतलब पैसा जो आ रहा है वो किस चीज़ के बदौलत आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट, किस चीज़ के बदौलत आ रही है? हाँ, स्किल्स के बदले में। आप में जो टैलेंट है, आप जो भी काम जानते हो, जितना एक्सपीरियंस है, हम लोग जानते हैं नॉलेज इज चीप बट एक्सपीरियंस इज एक्सपेंसिव। तो इस एक्सपीरियंस जो है दोस्तों, कैसे आती है? अपने स्किल्स को ज्यादा हम लोग यूज करने के बाद हमें एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। तो ये स्किल्स जो है आपको रिच बनाती है। स्किल्स मेक्स यू रिच, नॉट थ्योरीज। थ्योरीज की बात नहीं कर रहा हूं आज मैं बात कर रहा हूं स्किल्स। तो ये जो स्किल्स है दोस्तों, कैसे आएगी, कैसे बनेगी? तो दोस्तों, बहुत सारे लोग होंगे आप में से जो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। अगर उनको सिर्फ हिंदी आती है बात करने में, तो हिंदी में रहना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, या फिर चाहते भी हैं तो सीख नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कंफर्ट जोन वो जोन है जहां से आप निकलना नहीं चाहते हो, जहां पर आपको बहुत ही आरामदायक जिंदगी आप जी रहे हो। मतलब आप वहां पे सीखने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ये चीज भी गड़बड़ है। तो आपको दोस्तों कंफर्ट जोन को निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर आना पड़ेगा, तभी बात आती है आप इस गोल को अचीव करने की। ये कंफर्ट जोन है, ये आपका गोल है, इसको अचीव करने के लिए इससे बाहर आना पड़ेगा, तभी ये गोल जो है दोस्तों, ये आपका जो भी टारगेट है, ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अलग अलग स्किल्स सीखना पड़ेगा। ठीक है, स्किल्स जरूरी है, और ये स्किल सीखने के लिए हमारे में चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, चेंज। अब ये चेंज क्या है, कौन सी चेंज है? तो चेंज जो है दोस्तों, ये तभी आएगी, ये चेंज अपने आप को चेंज करने, देखिए चेंज करने का मतलब दो मतलब हो सकता है, एक बुरे से अच्छा बन रहे हो, या अच्छे से बुरा बन रहे हो, दोनों चीज है। ठीक है, लेकिन आपको अपना जो टैलेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं, अपना जो स्किल्स है उसको बेहतरी बढ़ोतरी के लिए जो भी आप कर रहे हो, वो उस चेंज के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज चेंज? द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल ऑफ योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट ऑन बिल्डिंग द न्यू। बल्कि चेंज आने का कब आएगा? जब आप कुछ न्यू चीज़ बिल्ड करना चाहते हो अपनी लाइफ में, यानी कि मान लो आप अपने गोल को बिल्ड करना चाहते हो अपनी रियल लाइफ में, उसको लाना चाहते हो, प्रकट कराना चाहते हो, तो आप में वो चेंजिंग लाना जरूरी है। आपको ये कंफर्ट जोन, ठीक है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और आपको स्किल्स सीखने के बाद, चेंज लाने के बाद अपने गोल को हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चेंज जो है दोस्तों, सबसे पहले चेंज हम लोग कहाँ ला सकते हैं? चेंज थॉट में, सोच को बदलना इजी है ना, अपनी आदतों को बदलना मुश्किल है, लेकिन सोच को बदलना इजी है। ठीक है, अब सोच को बदलने के बाद, सोच को हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट जब देंगे आप, तो क्या होगा, थॉट से फीलिंग आपका अच्छा बनेगा, थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, एटीट्यूड से एक्शन आपका अच्छा होगा। ठीक है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, तो एक्शन से क्या बनेगा आपका, हैबिट से आपका क्या बनेगा, पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व बनेगा, और इस व्यक्तित्व के जरिए आप क्या हासिल करोगे, डेस्टिनी। आपका डेस्टिनेशन जो है, आपका जो डेस्टिनेशन जो है, उसको हासिल करने के लिए दोस्तों सबसे शुरुआत जो है सोच से करनी पड़ेगी। ठीक है, थॉट से चेंज लाने के बाद ये सारी चीजें आएगी, थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड से एक्शन, हैबिट्स, एक्शन से हैबिट से पर्सनालिटी, उसके बाद डेस्टिनी। तो हम लोग को दोस्तों गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले जहां तक आपको दिख रहा है वहां तक चलिए,
आगे का रास्ता वहां पहुंचकर आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे अंदर में बहुत सारे प्रकार की कमजोरियां हैं, बहुत सारे प्रकार की क्या है मतलब डिमेरिट्स हैं, जिसको हम लोग दूर करना चाहिए अगर हम लोग अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो। तो दोस्तों ये है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए थॉट में हम लोग चेंजिंग लाकर स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके बाद हमारा हैबिट भी सुधरेगा और हमारा पर्सनैलिटी चेंज होगा। तो पर्सनैलिटी चेंज होने से डेस्टिनेशन हम अचीव कर सकते हैं, डेस्टिनेशन मतलब हमारा गोल, ठीक है। तो दोस्तों हमारे में जब चेंजिंग लाने की बात आती है तो हमारे मन में बहुत सारे प्रकार के डर होती है, बहुत सारी प्रकार के शंकाएं होती है, बहुत सारे प्रकार की इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसको जिससे हम लोग को पार पाना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम लोग को मालूम है दर्द गम डर जो भी है बस ये तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है। तो सिकंदर अगर बनना है, गोल को अचीव करना है, तो चेंज आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को कोशिश तो करना ही पड़ेगा कुछ नया स्किल सीखने के लिए, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे टाइपिंग का स्किल हो, चाहे जो आप अच्छा बोलते हो, चाहे आप अच्छा लिखते हो, या फिर आप अच्छा गाते हो, ये आपका जो भी स्किल्स है, ठीक है, इस स्किल के जरिए ही आप अपने गोल को अचीव कर लोगे, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इलोन मस्क, जेफ बेजोस से मार्क जुकरबर्ग बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप जो है जहां है जैसे है उसी चीज के द्वारा आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, अपने स्किल्स के जरिए जो कुछ भी आपको आता है, ठीक है। तो स्किल्स के द्वारा हम लोग कोशिश करने के कारण ही ये होगा, गोल अचीव होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस भरता है और चढ़कर गिरना न अकड़ता है, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हम लोग जानते हैं। तो जरूरी ये है कि हम कोशिश करें, स्किल्स एडॉप्ट करें, ठीक है। लेकिन गोल को आपको इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, गोल को जब तक आप इम्पोर्टेंट नहीं देंगे अपने लाइफ में, कितना ज्यादा जरूरी है, व्हाई यू वांट टू अचीव योर गोल, इट शुड बी क्लियर ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि इस गोल को अचीव करने के बाद आपको जीवन में क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा। ये सारी चीजें आप अपने डायरी में, आपका जो पर्सनल डायरी है, कुछ भी नोटबुक्स है, उस पर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये गोल है, ये गोल को इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चाहे जितने भी ऑप्शन हो मेरी लाइफ में, लेकिन मेरी चॉइस सिर्फ तुम हो, ये आपको गोल को मानना पड़ेगा, गोल को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चेंजिंग के द्वारा इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।